एक बड़े व्यापारी पर भारी कर्ज चढ़ गया और उसका सारा कारोबार चौपट हो गया। उन पर करीब 1 करोड़ रुपए का कर्ज हो गया था। वो बहुत चिंतित था और यह नहीं जानता था कि आगे क्या करना है। तो एक दिन वो बहुत निराश होकर एक पार्क में बैठ गया। तभी एक आदमी उसके पास आया, कुछ हताश की तलाश में। उसने उस आदमी को अपने कर्ज में डूबे कारोबार के डूबने की कहानी सुनाई। फिर वो आदमी मुस्कुराया और बोला, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मुझ पर विश्वास करो। इतना कहकर उस आदमी ने अपनी जेब से एक चेक निकाला और उस पर पैसे लिखकर उसे देते हुए कहा, ये लो पैसे, ठीक 1 साल बाद हम उसी जगह मिलेंगे, तो बस ये पैसे लौटा दो। चेक लेने के बाद युवक चला गया। उन्होंने बड़े आश्चर्य से चेक को देखा तो उस पर 1 करोड़ रुपए लिखा था। उसके नीचे दस्तखत देखकर मैं दंग रह गया। इसके हस्ताक्षर वॉरेन बफे, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक थे। उसने सोचा कि वह इस पैसे से मेरा पूरा कर्ज चुका सकता है, लेकिन उसने तुरंत इस चेक को रखने और जब आवश्यक हो तभी लेने का फैसला किया। उसके हाथ में यह एक चेक होने से उसका आत्मविश्वास और बढ़ गया। उसने वापस आने और अपने व्यवसाय की मरम्मत करने का फैसला किया। उन्होंने व्यवसाय को फिर से शुरू किया और नए विचारों को लागू किया, और इसलिए उनके व्यवसाय में सुधार हुआ। इसलिए कुछ ही महीनों में वो पूरा कर्ज चुकाने में सक्षम हो गया। इसलिए 1 साल बाद वो अपने वादे पर खरा उतरा और चेक लौटाने के लिए पुराने पार्क में आ गया। तभी बूढ़ा भी वहाँ आ गया। उसने बड़ी खुशी से उस आदमी को अपनी सफलता की सारी कहानी सुनाई। जैसे ही उसने उस आदमी को चेक वापस दिया, एक नर्स ने दौड़कर उस आदमी का हाथ पकड़ लिया और नर्स ने कहा, मुझे खुशी है कि मुझे यह आदमी मिल गया। इस आदमी ने आपको परेशान नहीं किया, वो हमारे मानसिक अस्पताल में एक मनोरोगी है, वो सबको बता रहा है। वॉरेन बफे एक अमीर आदमी है। नर्स उसे ले गई। ये देख व्यापारी के होश उड़ गए। इस पूरे साल के दौरान बहुत कुछ किया गया और इस आदमी द्वारा दिए गए 1 करोड़ रुपए का चेक मिलने के विश्वास से व्यापार में सुधार हुआ। ये सभी के लिए एक सीख है। ये सिर्फ पैसा नहीं है, ये हमारी दृष्टि और आत्मविश्वास है जो हमें कुछ भी हासिल करने की शक्ति देता है। Please subscribe, like and share. RB Vlogs for everything. Follow on blog, Facebook and Instagram for help us to improve our creativity.